Hello, how are you all? This is Aradhima Pani from Tom Kids. So welcome you all to the journey जहाँ हम discuss कर रहे हैं different boards के बारे में बात कर रहे हैं. कौन सा board हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, क्या characteristics है. So आज हम बात करेंगे Cambridge board का. Cambridge board is one of the fastest growing board. कि day by day, year by year बच्चों का जो Cambridge curricula की तरफ है वो बच्चे पढ़ते जा रहे हैं. और एक कहीं ना कहीं ओवरऑल पेरेंट्स में क्यूरियसिटी है कि ये बोर्ड एग्जैक्टली है क्या. ये बहुत सारे सवाल है पेरेंट्स के कि इसके सब्जेक्ट्स क्या है, इसका अप्रोच क्या है, इसका असेसमेंट क्या है, आगे जाके क्या बेनिफिट्स देगा ये हमारे बच्चे के लिए, या क्या ग्रोथ हमारे बच्चे के लिए ये करेगा, ऐसा क्या है यूनिकनेस कैम्ब्रिज में. फॉरन में अगर अब्रॉड स्टडीज के लिए है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है. सो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं. सो हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक कैम्ब्रिज एजुकेशन क्या है. So Cambridge Education is one of the largest and well-known boards in the world. और इसको कहा जाता है world's curricula. Because ये बहुत ज़्यादा बहुत सारी countries में इसका presence है, wide presence. It's established in 1858. काफी पुराना है, that's why इसको एक बहुत पुराना या old curricula भी बोलते हैं. And इसका presence worldwide बहुत अच्छा है. More than 10,000 schools are present with 160 countries. इसका existence जो है वो 160 countries में widely spread है. And currently India में more than 500 schools Cambridge curricula में है. And India में जो fastest curricula है, one of the fastest curricula is Cambridge. बहुत सारे parents अभी Cambridge की तरफ turn हो रहे हैं because of its uniqueness. So what is all about? So ये board जो है आपको flexible, challenging as well as inspiring, ये सारी चीजें at the same time देता है. कि सब्जेक्ट जो अप्रोच है ये है कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं ये चाहते हैं कि इनके स्टूडेंट्स बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पढ़े और उनको आपस में उनका कनेक्शंस कैसे होता है इसको भी वो समझे. दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी. नाउ इनका मेन मोटो ये है कि इनको स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन बनाना है. इनका ये मेन इनका जो फोकस है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन, इनहांस प्रेजेंटेशन स्किल. प्रेजेंटेशन स्किल पे इनका काफी फोकस है. एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ की लाइफ में कैसे भी प्रॉब्लम आए आपने जितना सब कुछ पढ़ा है उसको मिक्स करके एक आपको नया सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को लेकर आना है. लाइफ में कहीं भी पीछे नहीं रहना है, ये इनका एक ओवरऑल अप्रोच है. सो करिकुलम जो है वो है एक इंटरनेशनल करिकुलम. बट साथ में इनका जो सब्जेक्ट रेंज है वो काफी वाइड है, प्रेजेंटेड जिसमें से बच्चे अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. साथ ही साथ ये अपनी स्कूल्स जो भी स्कूल्स कैम्ब्रिज करिकुला फॉलो कर रही है उनको ये देते हैं कि एक फ्रीडम देते हैं कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आपके कल्चर को लेकर, आपके एनवायरनमेंट को लेकर, या आपके बच्चे जो चाहते हैं उनकी डिमांड जो है उनको ध्यान में रख के आप एक अपने बच्चों के लिए एक कंबाइंड करिकुला बना सकते हैं. सो ये जो नाउ देखते हैं असिस्मेंट. अब जो भी है मेन स्ट्रेंथ जो होता है वो किसी भी बोर्ड का वो मोस्टली होता है कि उनका असिस्मेंट कैसे होता है. तो इनके असिस्मेंट का बहुत सिंपल फंडा है, ये बहुत यूनिक है, दैट इज टू प्रूव एंड टू इम्प्रूव. कि ये बच्चों को ऐसे जज करते हैं कि बच्चों को अपने स्किल्स प्रूव भी करना है और साथ ही में उनको एक स्पेस होता है जहाँ की वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके. तो इनका जो असिस्मेंट है वो मेनली दो चेक पॉइंट पे होता है, एक तो कैम्ब्रिज खुद करता है एंड अनदर इज एट स्कूल लेवल. सो इनका रिकॉग्निशन क्या है, Cambridge recognized in almost every, almost all part of the world. कि Cambridge जो है वो हर जगह recognized है. तो ऐसा कहीं भी कहीं बच्चों को दिक्कत नहीं आता है कि Cambridge education करने के बाद कौन सा university accept नहीं करेगा. नहीं, इसका recognition हर जगह है, सब जगह इसको acceptance है. अब Cambridge में ऐसा क्या खास है कि जो Cambridge को better बनाता है, या एक मैं कहूंगी कि क्या बहुत अच्छी चीज है. सो वेरी फर्स्ट इसका फ्लेक्सिबल करिकुलम. अब इतने सारे सब्जेक्ट है तो बच्चे को अगर आपको मैथ्स और साइंस ही तो क्योंकि कंपलसरी हो गया है तो हमको लगता है तो मैथ्स और साइंस तो होना ही चाहिए. बट अगर आपके बच्चे का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कहीं म्यूजिक के लिए कहीं बच्चे को एंगेज करना है. नहीं, वो स्कूल के सब्जेक्ट्स में से ही सिलेक्ट कर सकता है म्यूजिक भी. तो एक फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ थिंग है कि बच्चे का पैशन है, इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट भी बच्चा चूज कर सकता है. देन प्रोएक्टिव लर्निंग. So, इनका जो फोकस है वो ऐसा है कि स्टूडेंट्स को टू डिस्कवर न्यू एबिलिटीज एंड डेवलप स्किल्स. की साथ में अपनी खुद की एबिलिटीज को पहचानो और नई नई स्किल्स डेवलप करो. सो ये जो प्रोएक्टिव लर्निंग का जो अप्रोच है ये बहुत अच्छा है. साथ में डायनामिक रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. अब इतने सारे सब्जेक्ट्स है कि बच्चा हर चीज को टच कर सकता है. लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इनमें हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन सारे. और क्या है,
देन साइंस जो बेसिक है, कंबाइंड साइंस है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है वो भी इसमें इंक्लूड है, क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल, ड्रामा, डिजाइन, देन फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी सारी चीजें सीख सकते हैं। देन मैथ्स ऑफकोर्स, मैथमेटिक्स एडिशनल एंड मैथमेटिक्स इंटरनेशनल, सो दैट बच्चे जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो उनको आसानी रहती है। देन इंग्लिश, इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर एंड वर्ल्ड लिटरेचर, सो जो बच्चे आते हैं। देन ऑफकोर्स ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस एंड डेवलपमेंटल स्टडीज। नाउ व्हाट आई मोस्ट लाइक अबाउट कैम्ब्रिज इज कि कैम्ब्रिज का एक बेनिफिट ये है कि जो बच्चा इंडिया में रह के भी कैम्ब्रिज पढ़ता है तो कैम्ब्रिज उनको, जो कैम्ब्रिज बोर्ड है उनको ऑफर्स अ मोर ग्लोबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जाता है कि यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि अभी तो ठीक है कि अभी आपको लग रहा है कि बच्चा यही है तो फिर क्यों इंटरनेशनल बोर्ड हमको करना है, क्यों बाहर का स्टडीज पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे का ड्रीम है कि या आगे जाके उसका ड्रीम बनता है कि मुझे फॉरेन में स्टडीज करना है, मुझे अब्रॉड जाना है, तो उसके लिए वहां पे कोई भी पॉइंट बैरियर नहीं आता है, बिकॉज कि इनका अप्रोच ऐसा है कि सारी चीजें बच्चों को एक ओवरऑल ग्लोबल अप्रोच है तो सब चीजें बच्चे यहाँ पे रह के भी सीख रहे हैं तो कोई हेजिटेशन नहीं होता है, आराम से जाके वहां के एनवायरमेंट में भी बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं एंड दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग। देन प्रोफेशनल कोर्सेज जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटी से भी, वो भी बच्चों को ईजिली एडॉप्ट बच्चे कर सकते हैं बिकॉज कि इनका करिकुला ही वैसा है, तो आगे जाके ना तो बच्चों को एडजस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है ना कोई प्रोफेशनल कोर्स को लेकर भी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है अगर आगे फॉरेन स्टडीज के लिए सोचते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग की जो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एजुकेशन, देन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे स्टेट जो है, इन सारे लोगों ने भी कैम्ब्रिज को, जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है वो क्वालिफाइड है इन सारे बोर्ड्स में भी अक्रॉस देयर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, तो बच्चों को यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब देखते हैं कि इसके लेवल्स क्या है, जैसे आईबी में भी हमने देखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, देन IBDP, ऐसे लेवल्स है, तो कैम्ब्रिज में भी ऐसे ही लेवल है। ये ओवरऑल कैटर करता है 5 to 19 years के लिए, सो इनका है प्राइमरी लेवल, लोअर सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी एंड देन एडवांस लेवल। नाउ कैम्ब्रिज प्राइमरी इट कैटर्स फॉर द एज ऑफ 5 to 11 years। अब ये जो प्राइमरी लर्नर्स है इनका जो एक एजुकेशनल का स्टार्ट है यहाँ पे, राइट, तो इनका जो मेन एम है ये है बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना, बच्चे को रिफ्लेक्टिव यानी कोई भी सब्जेक्ट में सोचना अंदर तक जाके कि ये क्या चीज हो सकती है, एक जो क्रिएटिविटी या सोचने की चीज है वो, इनोवेटिव एंड साथ ही साथ की बच्चों को जो पढ़ रहे उसमें एंगेज रखना, टू बी कॉन्फिडेंट, रिफ्लेक्टिव, इनोवेटिव एंड एंगेज, ये चार चीजों को फोकस किया है कि प्राइमरी एजुकेशन। इट इज डिजाइन टू हेल्प, देखो इनके प्राइमरी में जो है वो 10 subjects है जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड ग्लोबल प्रस्पेक्टिव्स ये कंपलसरी है, उसके अलावा बच्चों को और चॉइसेस है सब्जेक्ट की, और कुछ स्कूल्स में ITC प्रोग्राम भी है जहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी की, जो स्कूल्स कंप्यूटर लिटरेसी पे फोकस करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो बचपन से ही बच्चों को बहुत सारी चीजें प्राइमरी लेवल पे ही है। देन लोअर सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी इट कैटर्स टू 11 to 14 years कि आपका अगर CBSE में देखें तो 6 to 10th जो ग्रेड है उनके लिए। अब इनका यह है कि एक नेचुरल प्रोग्रेस बच्चों को इस प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद उसका ही कंटिन्यूएशन सिलेबस में, कि थोड़ा सा सिलेबस इसको करके ऑल्सो प्रिपेयरिंग देम फॉर पोस्ट एजुकेशन, तरह से तैयार कर रहे हैं कि आगे जाके भी उनको जो सब्जेक्ट लेने हैं उसके लिए बेस यहाँ पे उनका बन रहा है। इनका मेन फोकस अगेन इस पे है कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, उसके अलावा इनके सब्जेक्ट्स अगेन है डिजिटल लिटरेसी, आर्ट, डिजाइन, म्यूजिक एंड साइंस, इसमें से भी बच्चे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कैम्ब्रिज अपर सेकेंडरी, दिस आर द मेन इयर्स, लाइक 9th एंड 10th ईयर, एंड इट कैटर्स टू 14 एंड 16 ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसमें यह है कि जो प्रीवियस ईयर्स थे वो बहुत बेसिक फाउंडेशन था बच्चों का, कि बच्चों को बेसिक स्किल्स वहां पे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। अब अपर सेकेंडरी में यह है कि बच्चों का ऐसा बेस बना रहे हैं ताकि वो एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर, दैट इज AM AS लेवल विच इज कॉल्ड 11th and 12th। सो इसमें दो टाइप है, अगेन IGCSE दो रूट है एंड अनदर इज कैम्ब्रिज O-Level। सो इनका मेन फोकस जो है वो बच्चों में अगेन कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए, दैट इज वाइटल एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट, रिकॉल ऑफ नॉलेज, आपने जो पढ़ा वो आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, कितना आपको याद है, दैट इज
देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इवेल्युएशन एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स. सो ये सारी स्किल्स पे फोकस है इनका मेजरली IGCSE एंड ओ लेवल. सो मूविंग टू द IGCSE लेवल, अभी IGCSE लेवल में ये है कि इनके पास 70 सब्जेक्ट्स है एंड 30 लैंग्वेजेस है. सो बच्चों को 5 ग्रुप्स है, उसमें से बच्चों को चूज करना है अपने सब्जेक्ट्स. ग्रुप 1 इज लैंग्वेज, ग्रुप 2 इज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ग्रुप 3 इज साइंस, ग्रुप 4 इज मैथमेटिक ग्रुप दैट इज एडवांस एंड इंटरनेशनल, एंड ग्रुप 5 इज टेक्निकल, क्रिएटिव एंड वोकेशनल. सो अगेन IGCSE में अगेन दो चीजें हैं, वन इज एक्सटेंडेड सिलेबस एंड अनदर इज कोर सिलेबस. सो कोर सिलेबस उनके लिए जिनको बहुत रिग्रेस नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इजी वे में जाना है. एंड जो एक्सटेंडेड सिलेबस है दैट इज जो बच्चे बहुत है कि जिनको हाँ हम पढ़ सकते हैं, बहुत रिग्रेस सिलेबस ये जिनको बहुत ज्यादा जो अच्छे है एकेडमिकली वो बच्चे इसको लेते हैं. इनका असेसमेंट, अब इनका जो असेसमेंट होता है ये IGCSE ये मार्क बेस पे नहीं होता है, इनका असेसमेंट होता है पॉइंट्स पे, ग्रेड्स पे, ऑन द 8-point सिस्टम दैट इज A to G ग्रेड्स. एंड इनके असेसमेंट में होता है इनका रिटन एग्जाम होता है, ओरल होता है, इनका कोर्स वर्क और इनका प्रैक्टिकल होता है. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज की एक स्पेशल सर्टिफिकेशन बच्चों को दिया जाता है दैट इज ICE सर्टिफिकेशन, कैम्ब्रिज ICE सर्टिफिकेशन. अब ये सर्टिफिकेशन पाने के लिए बच्चों को 7 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, दैट इज कि ये 5 जो ग्रुप है उनमें से हर हर ग्रुप इंक्लूड हो, इस तरह से उनको अपने 7 सब्जेक्ट चूज करने हैं और वो 7 सब्जेक्ट्स में उनको अच्छा ग्रेड लाने हैं सो दैट कि उनको ICE सर्टिफिकेशन दिया जाता है. इट्स नॉट कंपलसरी बट इट्स रिवॉर्ड कि बच्चे ये अवार्ड ले सकते हैं अगर बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करते हैं. नाउ इट इज कैम्ब्रिज ओ लेवल. अब कैम्ब्रिज ओ लेवल जो है इसमें मेन ये कि बच्चों को 40 ऑप्शंस है अपने सब्जेक्ट और सिलेबस चूज करने के लिए. अब वो 40 ऑप्शंस क्या है, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स एंड क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल. अब ये होता है ट्वाइस अ ईयर, जून एंड नवंबर में, बट क्योंकि इंडियन स्कूल्स को लेकर ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टूडेंट्स को ये मार्च में भी इनके एग्जाम्स होते हैं, बिकॉज इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन कॉलेज में जो होता है वो अर्ली एप्लीकेशन शुरू होता है. मूविंग टुवर्ड्स कैम्ब्रिज एडवांस. अब ये कैम्ब्रिज एडवांस क्या है, कैम्ब्रिज एडवांस इज नथिंग बट जिसको हम बोलते हैं 11th एंड 12th. इट्स फॉर द एज ग्रुप ऑफ 16 टू 19 ईयर्स एंड अगेन इट ऑफर्स डिफरेंट टू रूट्स. नाउ ये जो प्रोग्राम है कैम्ब्रिज का एडवांस लेवल, ये बच्चों को हाइयर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करता है सो दैट कि बच्चे टॉप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके अपना अच्छा परफॉर्म करें. ये लेवल में सक्सेस हो जाते हैं तो इनके फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा यूनिवर्सिटीज, और इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया की जो है उसमें भी इनके एडमिशन के चांस बढ़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं. एंड इसमें है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, दे ऑफर्ड वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन चूज द सब्जेक्ट दे लव एंड दे बेस्ट एट. अल्टीमेटली तो होता यही है ना कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करियर चूज करते वक्त, एंड अनदर इज कि बच्चे किसमें बेस्ड है, उनका एप्टीट्यूड किसमें है. तो ये दोनों चीजों का स्कोप ये लेवल पे बहुत अच्छे से इन्होंने कैम्ब्रिज वालों ने दिया है कि बच्चे पैशन भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें मुझे अपना करियर बनाना है क्या, या मैं किसमें बहुत अच्छा हूँ उसमें मुझे अपना करियर चूज कर क्या है. दो वे है वो क्या है, वन इज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS एंड A लेवल दैट इज AS 11th एंड A12, एंड अगेन अनदर वन इज कैम्ब्रिज प्री यूनिवर्सिटी दैट इज P. अब जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS और A लेवल है इसमें 55 सब्जेक्ट्स है, बोथ आर 2-year प्रोग्राम्स, वेयर एज प्री यूनिवर्सिटी में 24 सब्जेक्ट्स. बट अगर हमको इससे स्विच करना है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन कि हमको स्टेट या नेशनल बोर्ड में अगर स्विच करना है तो कैसे, ऑफकोर्स आप कर सकते हो स्विच, कि बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है. एक प्री एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो सबमिट आपको करना है, जो सारे फॉर्मेलिटीज है वो पूरे करने हैं और आप आराम से स्विच कर सकते हैं. बट बिफोर स्विचिंग आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन सर्टन पॉइंट्स, कि वो पॉइंट्स क्या है. अभी प्रीफर्ड मोड ऑफ स्टडी जैसे थेरोटिकल है या प्रैक्टिकल बेस है, कि अगर आप IB या कैम्ब्रिज पढ़ रहे हो तो इनका जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ है, कि इनका ये है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए. एज कम्पेयर टू अगर आप स्टेट बोर्ड या CBSE देखो तो उनका होता है कि थोड़ा सा थेरोटिकल काइंड ऑफ हो जाता है, लाइक ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स की, जिसमें आपको थोड़ा सा मकअप करना है, वो काइंड ऑफ चीज हो जाती है. तो यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है.
अंदर इज फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. अब कैम्ब्रिज या आईबी में है कि आपको बहुत सारे 70 सब्जेक्ट्स है, 40 सब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको अपना खुद का सिलेबस सेट करना है. आपको फ्रीडम है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, वाइड रेंज है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी है. बट अगर आप नेशनल या स्टेट बोर्ड देखो तो उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. आपको साइंस स्ट्रीम है या आपको आर्ट स्ट्रीम है या आपको ह्यूमैनिटीज में है, तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या चॉइसिस ऑफ सब्जेक्ट आपको वहां पे नहीं मिलेगा. देन फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. अब कैम्ब्रिज जो आईबी बोर्ड है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कंपलसरी होता है. ड्रामा है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, ये सारी. रादर आपका नेशनल और स्टेट बोर्ड में होता है कि उनको थोड़ा सा एक बेसिक में ही वो चलते हैं, अपना की जो करिकुला है उस पर ही ज्यादा वो फोकस करते हैं. एंड ऑफकोर्स यू हैव टू कंसिडर दिस फैक्टर, दैट इज स्कूल फीस. कंपेरेटिवली आईबी और like international boards का हमेशा फीस थोड़ा सा हाईएस्ट साइड पे होता है. सो यू हैव टू मेक नोट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स. थैंक यू.